अक्सर मैं वीडियो जो बनाता हूँ वो पेपर प्लेट मेकिंग मशीन के बिजनेस से रिलेटेड बनाता हूँ, और बहुत ऐसी भी मशीनें हैं जो लघु उद्योग में रिलेटेड है और वो बेरोजगारी को दूर करने में काफ़ी सक्षम साबित हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कम पूंजी से स्टार्ट होने वाली बिजनेस को बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पेपर लेमिनेशन के बारे में बताता हूँ, बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में बताता हूँ, लेकिन जिनके पास पूंजी का अभाव है वो अपना कम पूंजी लगा के बिना रिस्क के कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिहार के अंदर। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम पूंजी से स्टार्ट होने वाली इस स्क्रबर पैकिंग बिजनेस के बारे में। आपके एरिया में अगर 50 दुकान है किराना दुकान, तो सब दुकान में आप ये देखते होंगे। आपका घर है तो घर में ये यूज होता ही है, मतलब सारे जगह पर ये यूज होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिजनेस करने से घाटा हो जाता है और बदनाम करते हैं। आप ही बताइए कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग फेल नहीं होते और जिसमें लोग सक्सेस नहीं होते। सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, किन लोगों से आप मिले हुए हैं, कैसे लोग से आप मशीन खरीदते हैं और कैसे लोगों से आप मटेरियल खरीदते हैं, मटेरियल का क्या क्वालिटी होता है, बनाते किस प्रकार से हैं, इम्पोर्टेंट ये होता है। मेरा काम आपको जानकारी देना है और सटीक जानकारी मैं देता हूँ, और बहुत लोग सफल भी हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है जो सफल हुए हैं वो मुझे बुलाते भी हैं। आप वीडियोज़ भी देखे होंगे, बहुत सारे जगह मैं जाकर वीडियोज़ भी बनाता हूँ, और आप लोग भी अगर किसी तरह का आपको अगर बिजनेस के आप स्टार्ट किए हैं उसमें आप सफल हुए हैं या फेल हुए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके बारे में भी लोगों को बताऊंगा। और किसी प्रकार का जो है, बहुत सारे कंपनी वाले क्या करते हैं, यूट्यूबर को बुलाते हैं अपना बिजनेस प्रमोशन करवाते हैं, मैं उस टाइप का किसी भी प्रमोशन को नहीं करता हूँ, और किसी भी तरह का आज तक देखे होंगे मैं किसी भी इस तरह का प्रमोशन नहीं किया हूँ कि लाखों कमा लीजिए करोड़ों कमा लीजिए। मैं जो भी जानकारी देता हूँ सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, और मशीन को चलाने का तरीका बताता हूँ। सो आज कम पूंजी में स्टार्ट करने वाली इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि ये आप कितने पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं, मशीन मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों ये स्क्रबर पैकिंग जो है, ये इसमें बर्तन साफ़ करने वाला SS स्क्रबर भरा हुआ है, और ये पूरे सीट की बात की जाए तो एक सीट में 12 पीस इसमें। मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल में आपको एक सीट लगेगा, ये जो इसको कटोरी टाइप का जो ये आता है इसको ब्लिस्टर बोला जाता है, और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो SS स्टील भरा हुआ है। तो देखिए इसका जो मशीन आता है, क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाने वाला चीज़ आता है ना, तो उसमें बेस्ट मशीन अगर वो हाई प्राइज होता है तो लोग मशीन बेचकर कमाने के लिए लो प्राइज में मशीन बना देते हैं, और लोग क्या करते हैं कि उन्हें बताया जाता है कि ये मशीन मात्र आपको 10,000 में मिल जाएगा। लोग सोचते हैं कि वहाँ 20,000 में मिल रहा है, यहाँ 10,000 में मिल रहा है, हम वही जाकर ले लेते हैं, लेकिन वो लाते हैं और 10 दिन के बाद ही उन्हें उनके मशीन में प्रॉब्लम आने लगता है और फेल हो जाते हैं। सो मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप 10,000 वाला नहीं लीजिए या 40,000 वाला ले लीजिए। मैं ये कहूँगा कि आपके लिए कौन सा मशीन बेस्ट है आप वो देखिए ना। अब देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट मशीन अभी तक मैं देखा हूँ डिजिटल स्क्रबर पैकिंग मशीन, जो कि लगभग आपको 25 से 30 हज़ार रुपये के रेंज में आएगा। 5,000 का मटेरियल लीजिएगा तो बिजनेस आपको यानी 30 से 35 हज़ार में इस टाइप का अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा हार्ड है, इसमें आप कितना पैसा कमा लीजिएगा ये देख लीजिए। इस मटेरियल की बात किया जाए तो जो इसमें भरा हुआ है वो मटेरियल आपको 230 रुपये केजी मिलेगा, और एक पीस 10 ग्राम का है तो 100 पीस हुआ 1 केजी में। अब देखिए इसमें एक स्क्रबर का प्राइस कितना हो गया, 230 रुपये आप परचेज कर रहे हैं, और एक रहे 10 ग्राम का यानी 100 पीस हुआ। 100 पीस परचेज करने में आपको 230 रुपया लग रहा है, तो एक पीस का प्राइस आपको हो गया 2 रुपया 3 पैसा, 2 रुपया 30 पैसा।
ये पूरा 12 पीस का आइटम है, तो 12 पीस में हमारा कितना खर्च हो जाएगा, 27 रुपया 60 पैसा, 27 रुपया के लगभग में खर्च हो जाएगा। कटोरी इसमें जो ये ब्लिस्टर आता है, 1 kg में 400-500 पीस आता है, तो ये लगभग 3 रुपये से कम का लगता है, लेकिन 3 रुपया मान के चलते आपका कटोरी लग जाएगा। और सीट जो आता है वो बेस्ट क्वालिटी का सीट आपको 8 से 9 रुपया में मिल जाएगा, 9 रुपया ही जोड़ के चलते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 39 से 40 रुपया, यानी 40 रुपया में ये आपका रेडी हो रहा है। अगर आप 30,000 रुपये लगा करके अगर ये 40 रुपये में आप तैयार कर ले रहे हैं, तो आज के इस दौर में 30,000 कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं है। और ये आप एक पीस 10 रुपया में ख़रीदते होंगे, आप अगर दुकान पे जाइएगा तो एक पीस आपको 10 रुपया में जो है मिलेगा। अब 10 रुपया में आपको ये मिल रहा है, तो आप लगा सकते हैं कि 12 दहाई के 120, यानी 120 रुपया में खुला बिक रहा है, तो सीधे आधा दाम में अगर 60 रुपये में भी आप सेल कर रहे हैं, और दिन का अगर आपके पूरे मार्केट में अगर जिस जिले में है उस जिले में अगर 10 दुकान है, अगर 10 पे अगर 10-10 पीस भी अगर बेच रहे हैं, तो आपका 100 पीस बिक जाएगा और आपको 35,000 के इन्वेस्ट में डेली का 2,000 रुपया कमा सकते हैं। मेहनत और मार्केटिंग करना पड़ेगा, तब फेल वही लोग होते हैं जो लोगों को किन्हीं बिजनेस को करना नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करते हैं बिजनेस के साथ। देखिए, अगर किसी भी बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो फर्स्ट टाइम आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चोरी करके आप आगे जा सकते हो वो अलग बात हो गई, लेकिन मेहनत से आप कीजिएगा तभी बिजनेस में आगे सफल हो पाइएगा। और एक बार अगर आपको मार्केट में वैल्यू अगर बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, उस मशीन से हजारों प्रोडक्ट पैकिंग हो सकता है। जो डिजिटल मशीन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इस डिजिटल मशीन में मसाला, ड्राई फ्रूट्स, ब्रश, बहुत सारा आइटम पैकिंग हो सकता है, और एक भी से आप मार्केट बना लेते हैं तो सारा चीज़। अब लोग फर्स्ट टाइम मार्केट जाते हैं, उन्हें ये नहीं बेच पाते हैं, वो चले आते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आज अगर नहीं बिक रहा है तो कल अगर एक पीस बिक जाएगा उस दुकान में, आपका वैल्यू बन जाएगा, तो उस भी मशीन से जो हजारों प्रोडक्ट आप पैकिंग करने वाले हैं वो भी वही दुकान में बिकने वाला है। अगर आप घर बैठे कमाना चाहते हैं तो आप इसको 60 में मत बेचिए, 50 में ही बेच लीजिए, फेरी वाला को दे दीजिए, वो आपको 50 रुपये में ले जाएगा। अगर 10 रुपये ही प्रोडक्ट आ रहा है तो डेली का 1,000 रुपये आ जाएगा। आप अगर कहीं अलग जॉब कर रहे हैं तो ये पार्ट टाइम में आप कर लीजिए, जॉब से आते हैं आप 5 बजे आ जाते होंगे, 5 बजे शाम से अगर 2 घंटा इस पे जॉब कर लेते हैं तो आसानी रूप से आप 200-300 पीस आप बना लीजिएगा। या फिर घर में अगर महिलाएं भी हैं, वे अगर फ्री हैं, तो वो आपको बना के रख देंगे। आप मॉर्निंग में ही किराना दुकान खुला हुआ रहता है, तो आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो आप जो है इसका मार्केटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट लगा के जॉब छोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप जॉब भी करते रहिए, पैसा भी कम लग रहा है और एक बिजनेस भी खड़ा हो रहा है, आपका मार्केटिंग बन रहा है। बहुत सारे लोगों को शर्म भी आता है कि ये बिजनेस करने में ये शर्म है, वो शर्म है। मैं कहता हूँ कि आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मेहनत तो भाई करना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी बिजनेस हो या बड़ी बिजनेस हो। सो दोस्तों, अगर बेस्ट क्वालिटी का मशीन मटेरियल लेना चाहते हैं तो पहले आप आइए, विजिट कीजिए फैक्ट्री पे, इसके बारे में समझिए, चला के देखिए, मशीन को देखिए, तभी आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। ये सब बिजनेस ऑफलाइन सही नहीं होता है, इसीलिए आप विजिट करके जानकारी लेकर बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कृष्णा इंटरप्राइजेज में और भी बहुत सारी मशीनें हैं, आप ये ऑप्शन के अलावा और भी रुई बत्ती का मशीन है, पैकिंग का मशीन है, पेपर प्लेट का मशीन है, कोई भी मशीन लेके बिजनेस को आप स्टार्टअप कर सकते हैं। सो आप यहाँ आकर के मशीन के बारे में जानकारी लेकर के आप अपना बेस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।